यहाँ पहुँच चुके हैं। राष्ट्र जी नसीम सिद्दीकी साहब यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको शेर के साथ दावत देता हूँ कि कहते नहीं सुबह पे दिल बेकरार है, कहते नहीं सुबह पे दिल बेकरार है, और नसीम सिद्दीकी साहब नजरें बता रही आपसे कितना प्यार है। तो समाज फरमाइए, दीप जलाते चलिए, गुल खिलाते चलिए, दीप जलाते चलिए, गुल खिलाते चलिए, नसीम सिद्दीकी साहब माइक पे आइए और ऐसी बात बोलिए कि दिल हिलाते चलिए। नसीम सिद्दीकी साहब भाई, तुम मजलिस के दीवाना हो, तुम असद साहब अकबर साहब के खून से निकलने वाली सुर्खी हो, तुम लोग असद साहब अकबर साहब के जुबान की आवाज हो, तुम लोग असद साहब अकबर साहब की जहन की सोच हो, तुम लोग असद साहब अकबर साहब की तमन्नाओं की आरजू हो। मेरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत दी है, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, अल्लाह ने तुम्हें जज्बा दिया है, अल्लाह ने तुम्हें एक इरादा दिया है, अल्लाह ने तुम्हें फिक्र दी है, अल्लाह ने तुम्हें एक सोच दिया है, अल्लाह ने तुम्हें कुर्बानी का सौदा दिया है। मेरे भाई, इस इरादे के साथ, उस जज्बे के साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करो ताकि आपके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ सके, आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सके। मेरे भाई, इत्तेहाद लाओ, अजम लाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुरज्जम हो जाओ, क्योंकि मेरे भाई, अब ये आसमां इस जलती जमीन पर नहीं आने वाला, कोई और पैगंबर यहाँ नहीं आने वाला। प्यास कहती है रेत निचोड़ी जाए, अब हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। हम पुकारेंगे तो अहले हरम आएंगे, उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। वो बात अलग है अबाबीलों के मानिब हम आएंगे, वो बात अलग है कि तादाद में कम आएंगे, लेकिन मेरे भाई हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करते हुए आएंगे। करोगे नायक, लाओगे इत्तेहाद, हाथ खड़े करके बताओ, लाओगे इत्तेहाद, लाओगे जज्बा। तुम्हारी ताकत तुम्हारा वोट है, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे एक वोट से क्या हो जाएगा, और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे एक वोट से क्या हो जाएगा, कि हम अगर वोट नहीं करेंगे हिंदुस्तान की तारीख थोड़ी बदल जाएगी। अरे मेरे भाई, अपने वोटों की कीमत को पहचानो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एक जंगल में आग लग गई, एक जंगल में आग लगी हुई थी, जैसे हमारे मुल्क में कोने कोने में नफरतों की आग लगी हुई है। जब जंगल में आग लगी तो सारे जानवर अफरा तफरी में भाग रहे थे जंगल को छोड़कर, तो एक छोटी सी चिड़िया अपने आसियाने को देख रही थी जलता हुआ, अपने घर को देख रही थी जलता हुआ, उसके आंखों में एक आंसू आ रहे थे। तो छोटी सी चिड़िया में एक जुनून आता है, एक जज्बा आता है, और वह उड़कर जाती है और पास के जंगल से, तालाब से दो बानी पानी का बूंद अपने चोंच में भर लेती है और जाकर अपने घोंसले पर गिराती है। वो बार बार जाती है, वो बार बार जाती है और पानी लाती है और गिरा देती है। वो बेचारी थककर पास के जंगल पर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। तो एक अजगर उससे सवाल करता है, अरे चिड़िया, तेरे दो बूंद पानी से यह आग बुझ जाएगी? तो मेरे भाई, वो चिड़िया क्या जवाब देती है? इस जवाब को चिड़िया का जवाब मत समझना, इस जवाब को मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का जवाब समझना। वो चिड़िया कहती है, मुझे मालूम है मेरे दो बूंद पानी से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल की तारीख लिखी जाएगी, इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। बुझाने वालों में आएगा मेरे भाई। तो मेरे भाई, जो ये मुल्क में आग लगी हुई है नफरत की, इसको बुझाओ मेरे भाई। ये जब बुझेगा, जब तुम अपने वोटों का सही इस्तेमाल करोगे, जब तुम अपने वोटों को सही जगह पर दोगे, जब ये नफरत की आग बुझेगी मेरे भाई। तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा।